नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है आज हम सोमी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है परिंदा और ये मूवी आपको किस और जी टी प्लेटफॉर्म परिवर्सन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे तो चलिए शुरू करते हैं परिंदा नाइनटीन एटी की लीज हुई परिंदा हिंदी भाषा की जिसका अर्थ है कि पक्षी एक मनोरम भारतीय अपराध ड्रामा फिल्म में प्रसिद्ध विद विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित निर्मित और वितरित इस फिल्म में जाके सब अनिल कपूर नाना पाटकर और मधुर दीक्षित सहित कई शानदार कलाकार है चोपड़े का निशा कहानी और प्रदेश लिखा जबकि शिव सुब्रमण्यम और इम्तियाज हुसैन ने प्रकाश कथा और संवाद तैयार किया दुषित कहलारी के भव्यपूर्ण गति के साथ आर डी परमन के भव्यपूर्ण संगीत ने फिल्म के अनुभव को और समुद्र विनोद प्रधान ने दृश्यों और रेनु रेनोसोलॉज के तेज संपादन के कहानी की जान डाल दी कहानी मिशन अभिनीत एक जो आसपास की दुनिया में उलझ हुआ है व्यक्ति है जो क्रूर अंडरवर्ल्ड तेजा अन्ना पेटेकर द्वारा अभिनीत एक अभिनत काम करता है किसान में जीवन एक नाटक को मोरा था जब उसका छोटा भाई करण करण कपूर द्वारा अभिनीत विदेश में पढ़ाई के बाद घर लौटता है हालांकि उनका क्योंकि अप्रकार क्यों एक खतरनाक स्थिति में उलझा हुआ पाता है अन्ना ने आदमियों के साथ की क्रूर हत्या को देखकर कर करण बदला लेने का कसम खाते जिसमें एक और संघर्ष के लिए होता है जो भाइयों की एक दूसरे के खिलाफ खड़ा देता है मुंबई के हलचल भरे शहर में दो भाइयों के किसान और करण के जीवन दुख पर ही अंडरवर्ल्ड में जाल में उलझ गया है बड़ा किसान करणे की उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक कुत

संघर्ष पैदा होगी जो उनके बंधन में मूल को तोड़ देंगे, उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना 1989 की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं जैकिशो किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ पाया और आदमी है जो क्रूड गैंगस्टर अन्नी के अधीन काम करता है जिसके भूमिका प्रतिभाशाली नाना पाटिका निभाई है अनिल कपूर किशन के छोटे भाई करण की भूमिका जो विदेश में पढ़ने की बाद वो है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों के जीवन की झलक जाली है जो रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों के समर्थन करने के लिए प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली मौजूद है जिसमें इंस्पेक्टर प्रकाश नायर की जिसमें दर्शकों के लिए एक मनोरम और भावनात्मक रूप से उत्साहित अनुभव बनाते हैं जबकि आलोचनात्मक तो प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव अक्सर एक सफल फिल्म की पहचान होती अंग्रेज बोर्ड ने भी बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय वास्तविक सफलता हासिल की में रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत माहौल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल रही रहे सेवेंटी फाइव गुना अधिक एक रिटर्न दर्शाते हैं जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है खासकर उस समय भारतीय फिल्म उद्योग के के प्रतिस्पर्धी को देखते हुए इस वित्तीय सफलता सुखधारा के, के बजाय के फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन दिनों से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आंखों वाली एक

रोगेट गिरो के गिरोह के अटूट वफादर की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीण इकम्द की शर ली यही उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका भव्य स्ट्रीम के सामने एक पायल पक्षी की देखभाल कर रहा था एक असंभवित कोमलता उसके द्वारा दुनिया के सामने पेश किए गए कठोर बाहरी स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन हफ्तों में बदल गए उनकी मुलाकात भव्य और मजहर संदेहों के कारण हुई परिंदा उनके कर्कश व्यवहार के प्रति संवेदनशील होकर उसके दरवाजे पर भयजन की टुकड़े छोड़ दी थी उपस्थिति एक मौन थी बदले में जंगल में अपनी प्रशंसा के छोड़ने शुरू कर दिया एक छोटी सी चोरों की बचाई गए मोतियों के माला एक भुले हुए बगीचे से तोड़ गए एक लाल गुलाब एक उभर भरी शाम तारों से जगमुती आकाश की हार में अपनी अनकहीं भावनाएं छलक रही जैसे ही परिंदा ने छे पर नित्व किया उसकी छवि पर चांदनी आकाश के सामने उभरी जंगल एक, एक कच्ची भावना की महिंद होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला चुंबक भरा लेकिन भावुक शहर की तर्क गहरी को बीच वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने पनपा जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंखु बनाने के लिए उसे निपनाया गया उसे तारा दी गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज प्यार से भरी थी जिसे चुप कराने की इनकार कर दिया था तुम्हारी दुनिया एक पिंजरीय जंगल उसके ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू भर गए लेकिन ये उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद की परिमानों का करना करने के लिए मजबूर जंग जलंग जंगल के आग और उसकी दुनिया के सबसे चारों ओर दिल रही थी क्रूट नेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार घुटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक बिक रूप चुनाई होगा सत्ता का का प्रेम की शांतना अगले दिन पिरादर शट्टों से दुबई रही टूट एक लेकिन जो विश्वास परिंदा ना अपना जीवन जारी रखा उसके नृत्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाहत थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने राक्षसी कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आड़ में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सड़कों के खुंखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई भेदता में से भरा हुए अपने अपने हथियार डाल दिए शाब्दी का रूपक दोनों मैं तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हमले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर भी नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने के जिसमें बारे में जनता था वो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति, प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से तकीब शहर पे शरण लिये परिंदा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई जब वो प्यार का एक प्रमाण जिसमें उसे बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग करने एक घाट पर काम किया था उनके ताकत उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यमी से सरलता प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था सैम और जैसे सूरज शिक्षित के नीचे डूबता था आकाश के तिरंगी और हर लाल रंग से रंग देता है वे साथ में डाल रंगे समुद्र तक के किनारे चलते थे जो छाये के बीच खेलने वाले प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण था दो भाइयों के किशन और करण के जीवन दुख पर ही अंडरवर्ल्ड में जाल में लुलझ गया है बड़ा करण की कि भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक कुछ गैंगस्टर के अधीन अपराध की खतरनाक दुनिया में कदम रखा है इस बीच करण अपने भाई की काल के रहस्यों की से बेहतर भविष्य की आकाश में भरा हुआ है विदेश में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं उनका आनंद में पुनर्मिलन हिस्सा की एक क्रूर कृत्य भी रख जाता है अन्ना के आदमियों द्वारा करण के सबसे तो उसके हत्या दुख और न्याय की तीव्र इच्छा के पीड़ित होकर करण प्रतिशोध की राह पर चल रहा है इस बात संजान की उसकी खोज उसे सीधे अपने ही भाई के साथ टकराते की रास्ते पर ले जाएगी जिसके एक संघर्ष पैदा होगी जो उनके बंधन में मूल डाने वाने को तोड़ देंगे उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना नाइनटीन की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म में परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं जैकिशव किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ पाया आदमी है जो क्रूर गैंगस्टर के अधीन काम करता है जिसके भूमिका प्रतिभाशाई राना पाटिका निभाई है अनिल कपूर किशन के छोटे भाई करण की भूमिका निभाई है जो विदेश में पढ़ने के बाद वो घर लौट आती है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों के जीवन की झलक जाली है जो रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों के समर्थन करने के लिए प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली मौजूद है जिसमें प्रकाश नायर की में अनुभव दर्शकों के लिए एक मनोरम और भावनात्मक रूप से उत्साहित तो अनुभव बनाते हैं जबकि आलोचनात्मक तो प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव अक्सर एक सफल फिल्म की पहचान होती है वृंदा अंग्रेज ने भी बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय वास्तविक हासिल की में रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत माहौल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल रही निवेश एक सेवेंटी फाइव गुना अधिक एक रिटर्न दर्शाते हैं जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है खासकर उस समय भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिस्पर्धी को देखते हुए इस वित्तीय सफलता के सुखधारा के बजाय के फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आंखों वाली एक की डाय नाय क्लब के शोर के बीच घूम रही थी हरकते के ने को कर दिया। लेकिन उसकी हरकतें अनुग्रह के मिशन को हरकते फुसफुसाहट था एक पहली था शहर के सड़क निवासियों के बीच एक एक, एक बदल थी उन्होंने वाली भुल गालियों के, के, के साहस की उनकी फादाई उनके स्वागत के सम्मान के उग्र थी हालांकि राजा

रोगेट गिरो के गिरोह के अटूट वफादारी की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीन शिण इकमाद की सर ली यही उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका भव्य स्ट्रीम के सामने एक पायल पक्षी की देखभाल कर रहा था एक असंभवित कोमलता उसके द्वारा दुनिया के सामने पेश कठोर बाहरी स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन हफ्तों में बदल गए उनकी मुलाकात भव्य और मजहर संदेहों के कारण हुई परिंदा उनके कर्कश व्यवहार के प्रति संवेदनशील होकर उसके दरवाजे पर भयजन की टुकड़े छोड़ दी थी एक मौन बदले में जंगल में अपनी प्रशंसा के छोड़ने शुरू कर दिया एक छोटी सी चोरों की बचाए गए मोतियों के माला एक भुले हुए बगीचे से तोड़ गए एक लाल गुलाब एक उभर भरी शाम तारों से जगमती आकाश की आड़ में अपनी अनकहीं भावनाएं छलक रही जैसे ही परिंदा ने छ पर नित्व किया उसकी छवि पर चांदी आकाश के सामने उभरी जंगल एक, एक कच्ची भावना की महीन होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला चुंबक झिझक भरा लेकिन भावुक शहर की तरक गहरी को बीच वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने पनपा जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंखु बनाने के लिए उसे निपनाया गया उसे तारा बनाई गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज प्यार से भरी थी जिसे चुप कराने आने की इनकार कर दिया था तुम्हारी दुनिया एक पिंजरी जंगल उसके ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू भर गए लेकिन ये उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद के परिमानों का करना करने के लिए मजबूर जंग जलंग जंगल के आग और उसकी दुनिया के सर के चारों ओर दि रही थी क्रूर नेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार घुटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक बिल्कुल चुनाई होगा सत्ता का प्रेम की शांतना अगले दिन पिलादर शट्टों से दुबई रही टूट एक लेकिन जो विश्वाई परिंदा ना अपना जीवन जारी रखा उसके नृत्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाह थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने राक्षसी कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आड़ में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सड़कों के खुखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई वैधता में से भरा हुए अपने अपने हथियार डाल दिए शब्दी का रूपक दोनों मैं तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हमले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर भी नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने का जिसमें बारे में जनता था जो वो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति, प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से टीब शहर में शरण ली परिंदा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई और जब वो प्यार का एक प्रमाण इसमें उसे बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग करने एक घाट पर काम किया था उनकी ताकत उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यमी से था प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था सैम जैसे सूरज शिक्षित के नीचे डूबता था आकाश के तिरंगी और हर लाल रंग से रंग देता है वे साथ में डाल रंगे समुद्र तक के किनारे चलते थे जो छाया के बीच खेलने वाले प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण था दो भाइयों के किशन और करण की जीवन दुख पर ही अंडरवर्ल्ड में जाल में लुलझ गया है बराफ करने की उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक कुख्यात अन्ना के अधीन अपराध की खतरनाक दुनिया में कदम रखा है इस बीच करण अपने भाई की काल के रहस्यों की से बेहतर भविष्य की आकाश में भरा हुआ है विदेश में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं उनका आनंद में पुनर्मिलन हिस्सा की एक क्रूर कृत्य भी रख जाता है अन्ना के आदमियों द्वारा करण के सबसे तो उसके हत्या दुख और न्याय की तीव्र इच्छा के पीड़ित होकर करण प्रतिशोध की राह पर चल रहा था इस बात संजान की उसकी खोज उसे सीधे अपने ही भाई के साथ टकराते के रास्ते पर ले जाएगी जिसके एक संघर्ष पैदा होगी जो उनके बंधन में मूल दाने वाने को तोड़ देंगे उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना नाइनटीन की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म में परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं सब किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ पाया और आदमी है जो क्रूर गैंगस्टर के अधीन काम करता है जिसके भूमिका प्रतिभाशाली नाना पाटिका निभाई है अनिल कपूर किशन के छोटे भाई करण की भूमिका निभाई है जो विदेश में पढ़ने की बाद वो घर लौट आती है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों की जीवन की झलक जाली है जो रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों के समर्थन करने के लिए प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली मौजूद है जिसमें इंस्पेक्टर प्रकाश नायर की दर्शकों के लिए एक मनोरम और भावनात्मक रूप से उत्साहित तो अनुभव बनाते हैं जबकि आलोचनात्मक तो प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव अक्सर एक सफल फिल्म की पहचान होती है वृंदा अंग्रेज ने भी बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय वास्तविक हासिल की नाइन में रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत माहौल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल रही यह निवेश एक सेवेंटी फाइव गुणों अधिक एक रिटर्न दर्शाते हैं जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है खासकर उस समय भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिस्पर्धी प्रदर्शों को देखते हुए इस वित्तीय सफलता के सुखधारा के बजाय के फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन दिनों से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आंखों वाली एक सिंधा नाइट क्लब के शोर के बीच घूम रही थी उसकी हरकतें अनुग्रह ने दर्शकों को कर दिया। लेकिन उसकी नजर जंगल मिशन साथ फुसफुसाहट भस हाँ था एक पहली था शहर के सड़क निवासियों के बीच एक एक, एक बदल थी उन्होंने वाली भुल गालियों के, के, के साहस की उनकी फादाई उनके स्वागत के सम्मान के उग्र थी हालांकि राज

रोगेट की के गिरोह के अटूट वफादारी की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीण इकम्द की सर ली यही उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका भव्य स्ट्रीम के सामने एक पायल पक्षी की देखभाल कर रहा था एक असंभवित कोमलता उसके द्वारा दुनिया के सामने पेश कठोर बाहरी स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन हफ्तों में बदल गए उनकी मुलाकात भव्य और मजहर संदेहों के कारण हुई परिंदा उनके कर्कश व्यवहार के प्रति संवेदनशील होकर उसके दरवाजे पर भयजन की टुकड़े छोड़ दी थी उपस्थिति एक मौन संतोनाति बदले में जंगल में अपनी प्रशंसा के निशान छोड़ने शुरू कर दिया एक छोटी सी चोरों की बचाए गए मोतियों के माला एक भूले हुए बगीचे से तोड़ गए एक लाल गुलाब एक उभर भरी शाम तारों से जगमती आकाश की आर्मे अपनी अनकही भावनाएं छलक रही जैसे ही परिंदा ने छय पर नित्व किया उसकी छवि पर चांदी आकाश के सामने उभरी जंगल एक, एक कच्ची भावना की महिन होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला चुंबक भरा लेकिन भावुक शहर की तर्क गहरी को बीच वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने पनपा जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंगु बनाने के लिए उसे निपनाया गया उसे उतारा दुआनाई गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज़ प्यार से भरी थी जिसे चुप कराने कर आने की इनकार कर दिया था तुम्हारी दुनिया एक पिंजरे जंगल उसके ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू भर गए लेकिन ये उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद के परिमानों का करना करने के लिए मजबूर जंग जंगल के आग और उसकी दुनिया के सर के चारों ओर दि रही थी क्रूट नेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार ना घुटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक विकल्प चुनाई होगा सत्ता का का प्रेम की शांतना अगले दिन पियादर शट्टों से दुबई रही टूट एक लेकिन जो विश्वास परिंदा ना अपना जीवन जारी रखा उसके नृत्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाहत थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने राक्षसी कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आड़ में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सरकों के खुखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई वैधता में से भरा हुए अपने अपने हथियार डाल दिए शाब्दी का रूपक दोनों मैं तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व भुगता से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हामले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर भी नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने का जिसमें बारे में जनता था जो वो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति, प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से तक शहर पर शरण ली वरिंदा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई और जब वो प्यार का एक प्रमाण जिसमें उसे बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग करने एक घाट पर काम किया था उनकी ताकत उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यमी से सरल था प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था सैम और जैसे सूरज शिक्षित के नीचे डूबता था आकाश के तिरंगी और हर लाल रंग से रंग देता है वे साथ में डाल रंगे समुद्र तख्त के किनारे चलते थे जो छाया के बीच खेलने वाले प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण था दो भाइयों के किसान और करण के जीवन दुख पर ही अंडरवर्ल्ड में जाल में लुलझ गया है बराफ किसान की उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक कुख्यात अन्ना के अधीन अपराध की खतरनाक दुनिया में कदम रखा है इस बीच करण अपने भाई की काल के रहस्यों की से बेहतर भविष्य की आकाश में भरा हुआ है विदेश में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं उनका आनंद में पुनर्मिलन हिस्सा की एक क्रूर कृत्य भी रख जाता है अन्ना के आदमियों द्वारा करण के सबसे अच्छे तो उसकी हत्या दुख और न्याय की तीव्र इच्छा के पीड़ित करण प्रतिशोध की राह पर चल रहा है इस बात संजान की उसकी खोज उसे सीधे अपने ही भाई के साथ टकराते के रास्ते पर ले जाएगी जिसके एक संघर्ष पैदा होगी जो उनके बंधन में मूल दाँडे को तोड़ देंगे उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना नाइनटीन नाइन की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म में परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं सब किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ आदमी है जो गैंगस्टर अन्नी के अधीन काम करता है जिसके है नाना पार्टी का निभाई है अनिल है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों के जीवन की झलक जाली है रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों के समर्थन

हासिल की रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत माहौल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल रही निवेश एक सेवेंटी फाइव गुणों अधिक एक रिटर्न दर्शाते हैं जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है खासकर उस समय भारतीय फिल्म उद्योग के के प्रतिस्पर्धी को देखते हुए इस वित्तीय सफलता सुखधारा के, के बजाय के फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन दिनों से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आंखों वाली एक

रॉकगेट के गिरोह के अटूट वफादारी की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीण इकम्द की सर ली यही उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका ट्रीम स्ट्रीम ले की सामने एक स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन हफ्तों में बदल गए उनकी मुलाकात भव्य और मजे, मजे संदेहों की कारण हुई परिंदा उनके कर्कश व्यवहार के प्रति संवेदनशील होकर उसके दरवाजे पर भोजन की टुकड़े छोड़ दी थी थी एक मौन थी में जंगल में अपनी प्रशंसा के छोड़ने शुरू कर दिया। एक छोटी सी चोरों की बचाई गए मोतियों के माला एक भुले हुए बगीचे से तोड़ गए एक लाल गुलाब एक उभर भरी शाम तारों से जगमुती आकाश की हार में अपनी अनक भावनाएं छलक रही जैसे ही परिंदा ने छे पर नित्य किया उसकी छवि पर चांदी आकाश के सामने उभरी जंगल एक, एक कच्ची भावना की महिंद होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला चुंबक भरा लेकिन भावुक शहर की तर्क गहरी को बीच गए वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने पनपा जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंगु बनाने के लिए उसे निपनाया उसे उतारा दुआनाई गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज़ प्यार से भरी थी जिसे चुप कराने आने की इनकार कर दिया था तुम्हारी तो दुनिया एक पिंजरी जंगल उसके ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू भर गए लेकिन ये उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद की परिमाणों का करना करने के लिए मजबूर जंग जंगल के आग और उसकी दुनिया के सर के चारों ओर दिल रही थी क्रूर नेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार ना घूटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक बिल्कुल चुनाई होगा सत्ता का का प्रेम की शांतना अगले दिन पिला दर्द सट्टों से दुबई रही टूट एक लेकिन जो विश्वाइट परिंदा ना अपना जीवन जारी रखा उसके नृत्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाह थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने राक्षसी कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आर में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सरकों के खुखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई वैधता में से भरा हुए अपने अपने हथियार डाल दिए नशाब्दी का रूपक दोनों मैं तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व भुगता से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हामले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने का जिसमें बारे में जनता था जो वो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से तकीब शहर पे शरण ली वा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई और जब वो प्यार का एक प्रमाण जिसमें उसे बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग करने एक घाट पर काम किया था उनकी ताकत उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यमी से था प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था सैम और जैसे सूरज शिक्षित के नीचे डूबता था आकाश के तिरंगी और हर लाल रंग से रंग देता है वे साथ में डाल रंगे समुद्र तख्त के किनारे चलते थे जो छाया के बीच खेलने वाले प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण था दो भाइयों के किशन और करण की जीवन दुख पर ही अंडरवर्ल्ड में जाल में लुलझ गया है बड़ा बराबर करने की उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक, और एक अन्ना के अधीन अपराध की खतरनाक दुनिया में कदम रखा है इस बीच करण अपने भाई की काल के रहस्यों की से बेहतर भविष्य की आकाश में भरा हुआ है विदेश में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं उनका आनंद में पुनर्मिलन हिस्सा की एक क्रूर कृत्य भी रख जाता है अन्ना के आदमियों द्वारा करण के सबसे तो उसके हत्या दुख और न्याय की तीव्र इच्छा के पीड़ित करण प्रतिशोध की राह पल चल रहा है इस बात संजान की उसकी खोज उसे सीधे अपने ही भाई के साथ टकराते के रास्ते पर ले जाएगी जिसके एक संघर्ष पैदा होगी जो उनके बंधन में मूल डांडे वाले को तोड़ देंगे उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना नाइनटीन की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म में परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं जैकिशो किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ आदमी है जो गैंगस्टर अन्नी के अधीन काम करता है, जिसके है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों के जीवन की झलक जाली है जो रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों के समर्थन करने के लिए प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली मौजूद है जिसमें इंस्पेक्टर प्रकाश नायर की, 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 तो की दर्शकों के लिए एक मनोरम और भावनात्मक रूप से उत्साहित अनुभव बनाते हैं जबकि आलोचनात्मक तो प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव अक्सर एक सफल फिल्म की पहचान होती है वरिंदा अंग्रेज ने भी बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय वास्तविक हासिल की 1999 में रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत मोबल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल सफलती है, है जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि को देखते हुए सफलता के 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 फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन दिनों से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आगा

रात उसकी आंखों से स्टील के सम्मान से धुंधी हुई थी जो परिंदा के, के प्रतिबंध कर रही थी उम्र में, में अनुवाद हो गई परिंदा को सड़कों पर ले सांत्वना मिली उनकी नृत्य एक ऐसी भाषा में पीठी ललिचपन और आशा की बात करती थी दूसरी ओर जंगल में एक परेशान अतीत का बोझ उठाया छाया में सांत्वना की तलाश की और अपने रोगेट गिरो के गिरोह के अटूट वफादारी की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीण इकम्द की सर ली यही उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका भव्य स्ट्रीम के सामने एक पायल पक्षी की देखभाल कर रहा था एक असंभवित कोमलता उसके द्वारा दुनिया के सामने पेश किए गए कठोर बाहरी स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन हफ्तों में बदल गए उनकी मुलाकात भव्य और मजहर संदेहों की कारण हुई परिंदा उनके कर्कश व्यवहार के प्रति संवेदनशील होकर उसके दरवाजे पर भयजन की टुकड़े छोड़ दी थी एक मौन संतुना में जंगल में अपनी प्रशंसा के छोड़ने शुरू कर दिया एक छोटी सी चोरों की बचाई गए मोतियों के माला एक भुले हुए बगीचे से तोड़ गए एक लाल गुलाब एक उभर भरी शाम तारों से जगमती आकाश की हार में अपनी अनकहीं भावनाएं छलक रही जैसे ही परिंदा ने छे पर नित्य किया उसकी छवि पर चांदनी आकाश के सामने उभरी जंगल एक, एक कच्ची भावना की महिन होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला चुंबक भरा लेकिन भावुक शहर की गहरी को बीच गए वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने पनपा जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंगु बनाने के लिए उसे निपनाया गया उसे उतारा दबनाई गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज प्यार से भरी थी जिसे चुप कराने आने की इनकार कर दिया था तुम्हारी दुनिया एक पिंजरे जंगल उसके ने कहा कि उसके आंखों में आंसू भर गए लेकिन ये उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद की परिमाणों का करना करने के लिए मजबूर जंग, जंग जंगल के आग और उसकी दुनिया के सर के चारों ओर दिल रही थी क्रूर नेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार ना घुटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक बिल्कुल चुनाई होगा सत्ता का का प्रेम की शांतना अगले दिन पिलाों से दुबर रही टूट एक लेकिन जो विश्वास परिंदा ना अपना जीवन जारी रखा उसके नित्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाहत थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने राक्षसी कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आड़ में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सरकों के खुखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई वैधता में से भरा हुए अपने अपने हथियार डाल दिए नशाब्दी का रूपक दोनों में तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हाम ले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर भी नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने का जिसमें बारे में जनता था जो वो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से तकीब शहर पे शरण लिये परिंदा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई जब वो प्यार का एक प्रमाण इसमें उसे बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग करने एक घाट पर काम किया था उनकी ताकत उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यामी सरलता प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था शैम जैसे सूरज शिक्षित के नीचे डूबता था आकाश के तिरंगी और हर लाल रंग से रंग देता है बे। साथ में डाल रंगे के किनारे चलते थे जो के खेलने वाले प्रेम की शक्ति का प्रमाण था दो भाइयों के किशन और करण की जीवन दुख पर ही अंडरवर्ल्ड में जाल में लुलझ गया है बराफ किसान को सुरक्षित करने के लिए अपने आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक कुख्यात गैंगस्टर के अधीन अपराध की खतरनाक दुनिया में कदम रखा है इस बीच करण अपने भाई की काल के रहस्यों की से बेहतर भविष्य की आकाश में भरा हुआ है विदेश में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं उनका आनंद में पुनर्मिल्व भी रख जाता है अन्ना के आदमियों द्वारा करण के सबसे अच्छे दोस्त की हत्या दुख और न्याय की तीव्र इच्छा के पीड़ित होकर करण प्रतिशोध की राह पर चल रहा है इस बात संजान की उसकी खोज उसे सीधे अपने ही भाई के साथ टकराते की रास्ते पर ले जाएगी जिसके एक संघर्ष पैदा हो जो उनके बंधन में मूल को तोड़ देंगे उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना नाइनटीन नाइन की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म में परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं जैकिशो किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ और आदमी है जो क्रूड गैंगस्टर के अधीन काम करता है जिसके भूमिका प्रतिभाशाली नाना पार्टी का निभाई है अनिल कपूर किशन के छोटे भाई करण की भूमिका जो विदेश में पढ़ने की बाद वो घर लौट आती है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों की जीवन की झलक जाली है जो रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों के समर्थन करने के लिए प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली मौजूद है जिसमें इंस्पेक्टर प्रकाश दर्शकों के लिए एक मनोरम और भावनात्मक रूप से उत्साहित अनुभव बनाते हैं जबकि आलोचनात्मक तो प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव अक्सर एक सफल फिल्म की पहचान होती है अंग्रेज में बोर्ड ने भी बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय वास्तविक सफलता हासिल की नाइनटीन नाग्ट में रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत मोबल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल रही निवेश एक सेवेंटी फाइव गुना अधिक एक रिटर्न दर्शाते हैं जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है खासकर उस समय भारतीय फिल्म उद्योग के के प्रतिस्पर्धी को देखते हुए इस वित्तीय सफलता सुखधारा के, के बजाय के फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन दलों से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आंखों वाली एक

रोगेट गिरो के गिरोह के अटूट वफादारी की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीर्ण इकमाद की सर ली यहीं उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका भव्य ट्रीम मिटमिलाती स्ट्रीम लय के सामने एक पहल पक्षी की देखभाल कर रहा था एक असंभवित कोमलता उसके द्वारा दुनिया के सामने पेश किए गए कठोर बाहरी स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन

पर नित्व किया उसकी छवि पर चांदी आकाश के सामने उभरी जंगल एक, एक कच्ची भावना की महिंद होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला चुंबक झिझक भरा लेकिन भावुक शहर की तर्क गहरी को बीच गए वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने पनपा जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंगु बनाने के लिए उसे निपनाया गया उसे उतारा बनाई गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज प्यार से भरी थी जिसे चुप कराने आने की इनकार कर दिया था तुम्हारी तो दुनिया एक पिंजरी जंगल उसके ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू भर गए लेकिन ये उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद के परिमाणों का करना करने के लिए मजबूर जंग जल जंगल के आग और उसकी दुनिया के सर के चारों ओर दिल रही थी क्रूर नेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार ना घुटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक बिल्कुल चुनाई होगा सत्ता का का प्रेम की शांतना अगले दिन पिलाों से दुब रही टूट एक लेकिन जो विश्वास परिंदा ना अपना जीवन जारी रखा उसके नृत्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाह थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने राक्षसी कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आड़ में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सड़कों के खुखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई भेदता में से भरा हुए अपने अपने हथियार डाल दिए शब्दी का रूपक दोनों मैं तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हामले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर भी नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने के जिसमें बारे में जनता था जो वो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति, प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से तकीब शहर पे शरण लिये परिंदा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई और जब वो प्यार का एक प्रमाण इसमें उसे बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग करने एक घाट पर काम किया था उनके ताकत उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यमी से सरल था प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था सैम और जैसे सूरज शिक्षित के नीचे डूबता था आकाश के तिरंगी और हर लाल रंग से रंग देता है वे साथ में डाल रंगे समुद्र तख्त के किनारे चलते थे जो छाया के बीच खेलने वाले प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण था दो भाइयों के किसान और करण की जीवन दुख पर यह अंडरवर्ल्ड में जाल में लुलझ गया है बड़ा किसान की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक कुख्यात गैंगस्टर अन्ना के अधीन अपराध की खतरनाक दुनिया में कदम रखा है इस बीच करण अपने भाई की काल के रहस्यों की से बेहतर भविष्य की आकाश में भरा हुआ है विदेश में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं उनका आनंद में पुनर्मिलन हिस्सा की एक क्रूर कृत्य भी रख जाता है अन्ना के आदमियों द्वारा करण के सबसे अच्छे तो उसके हत्या दुख और न्याय की तीव्र इच्छा के पीड़ित होकर करण प्रतिशोध की राह पर चल रहा है इस बात संजान की उसकी खोज उसे सीधे अपने ही भाई के साथ टकराते के रास्ते पर ले जाएगी जिसके एक संघर्ष पैदा होगी जो उनके बंधन में मूल डांडे वाणी को तोड़ देंगे उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना नाइनटीन की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म में परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं सब किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ पाया आदमी है जो क्रूर गैंगस्टर के अधीन काम करता है जिसके भूमिका केाना पाटिका निभाई है अनिल कपूर किशन के के छोटे भाई करण की भूमिका जो विदेश में पढ़ने की बाद वो घर लौट आती है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों के जीवन की झलक जाली है जो रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों के समर्थ करने के लिए प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली मौजूद है जिसमें इंस्पेक्टर जिसमें दर्शकों के लिए एक मनोरम और भावनात्मक रूप से उत्साहित अनुभव बनाते हैं जबकि आलोचनात्मक तो प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव अक्सर एक सफल फिल्म की पहचान होती वृंदा अंग्रेज में बोर्ड ने भी बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय वास्तविक सफलता हासिल की में रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत माहौल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल रही निवेश एक सेवेंटी फाइव गुणों अधिक एक रिटर्न दर्शाते हैं जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है खासकर उस समय भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिस्पर्धी प्रदर्शों को देखते हुए वित्तीय सफलता के सुखधारा के बजाय के फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन दिनों से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आंखों वाली एक

रोगेट गिरो के गिरोह के अटूट वफादारी की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीण इकमात की शर ली यही उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका भव्य स्ट्रीम के सामने एक पायल पक्षी की देखभाल कर रहा था एक असंभवित कोमलता उसके द्वारा दुनिया के सामने पेश किए गए कठोर स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन हफ्तों में बदल गए उनकी मुलाकात भव्य और मजहर संदेहों के कारण हुई परिंदा उनके कर्कश व्यवहार के प्रति संवेदनशील होकर उसके दरवाजे पर भयजन की टुकड़े छोड़ दी थी उनकी उपस्थिति एक मौन बदले में जंगल में अपनी प्रशंसा के निशन छोड़ने शुरू कर दिया एक छोटी सी चोरों की बचाए गए मोतियों के माला एक भूले हुए बगीचे से तोड़ गए एक लाल गुलाब एक उभर भरी शाम तारों से जगमती आकाश की आर में अपनी अनकहीं भावनाएं छलक रही जैसे ही परिंदा ने छह पर नृत्यु किया उसकी छवि पर चाँदिया आकाश के सामने उभरी जंगल एक, एक कच्ची भावना की महीन होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला चुंबक भरा लेकिन भावुक शहर की तर्क गहरी को बीच गए वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने पनपा जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंगु बनाने के लिए उसे निपनाया गया उसे उतारा ध्वनई गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज प्यार से भरी थी जिसे चुप कराने कर की इनकार कर दिया था तुम्हारी तो दुनिया एक पिंजरे जंगल उसके ने कहा कि उसके उसकी आंखों में आंसू भर गए लेकिन यह उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद के परिमाणों का करना करने के लिए मजबूर जंग जलंग, जंगल के आग और उसकी दुनिया के सर के चारों ओर दिल रही थी क्रूट नेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार ना घूटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक बेटर पर चुनाई होगा सत्ता का का प्रेम की शांतना अगले दिन पिलादर से दुब रही टूट एक लेकिन जो विश्वास परिंदा ना अपना जीवन जारी रखा उसके नृत्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाह थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने राक्षसी कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आर में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सड़कों के खुंखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई वैधता में से भरा हुए अपने अपने हथियार डाल दिए शाब्दी का रूपक दोनों मैं तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हामले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने का जिसमें बारे में जनता था जो वो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से तकीब शहर पे शरण लिए परिंदा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई जब वो प्यार का एक प्रमाण इसमें उसे बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग करने एक घाट पर काम किया था उनके ताकत उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यमी से सरलता प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था सैम और जैसे सूरज शिक्षित के नीचे डूबता था आकाश के तिरंगी और हर लाल रंग से रंग देता है वे साथ में डाल रंगे समुद्र तख्त के किनारे चलते थे जो छाये के बीच खेलने वाले प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण था दो भाइयों के किशन और करण के जीवन दुख पर ही अंडरवर्ल्ड में जाल में लुलझ गया है बराब कि भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक, एक अन्ना के अधीन अपराध की खतरनाक दुनिया में कदम रखा है इस बीच करण अपने भाई की काल के रहस्यों की से बेहतर भविष्य की आकाश में भरा हुआ है विदेश में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं उनका आनंद में पुनर्मिलन हिस्सा की एक क्रूर कृत्य भी रख जाता है अन्ना के आदमियों द्वारा करण के सबसे तो उसके हत्या दुख और न्याय की तीव्र इच्छा के पीड़ित होकर करण प्रतिशोध की राह पर चल रहा है इस बात संजान के उसकी खोज उसे सीधे अपने ही भाई के साथ टकराते के रास्ते पर ले जाएगी जिसके एक संघर्ष पैदा होगी जो उनके बंधन में डांडे वाने को तोड़ देंगे उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना नाइनटीन की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म में परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं जैकिशो किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ पाया और आदमी है जो क्रूड गैंगस्टर के अधीन काम करता है जिसके भूमिका प्रतिभाशाली नाना पाटिका निभाई है अनिल कपूर किशन के छोटे भाई करण की भूमिका जो विदेश में पढ़ने की बाद वो घर लौट आती है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों के जीवन की झलक जाली है जो रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों के समर्थन करने के लिए प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली मौजूद है जिसमें इंस्पेक्टर प्रकाश नायर की दर्शकों के लिए एक मनोरम और भावनात्मक रूप से उत्साहित अनुभव बनाते हैं जबकि आलोचनात्मक तो प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव अक्सर एक सफल फिल्म की पहचान होती है वरिंदा अंग्रेज ने भी बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय वास्तविक हासिल की 1999 नाग्ट में रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत माहौल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल रही निवेश एक सेवेंटी फाइव गुणों अधिक एक रिटर्न दर्शाते हैं जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है खासकर उस समय भारतीय फिल्म सुखधारा के, के, के बजाय के फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन दिनों से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आंखों वाली एक

रोगेट गिरो के गिरोह के अटूट वफादारी की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीण इकम्द की सर ली यही उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका भव्य स्ट्रीम के सामने एक पायल पक्षी की देखभाल कर रहा था एक असंभवित कोमलता उसके द्वारा दुनिया के सामने पेश कठोर बाहरी स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन हफ्तों में बदल गए उनकी मुलाकात भव्य और मजहर संदेहों के कारण हुई परिंदा उनके कर्कश व्यवहार के प्रति संवेदनशील होकर उसके दरवाजे पर भयजन की टुकड़े छोड़ दी थी उपस्थिति एक मौन थी बदले में जंगल में अपनी प्रशंसा के शुरू कर दिया एक छोटी सी चोरों की बचाई गए मोतियों के माला एक भुले हुए बगीचे से तोड़ गए एक लाल गुलाब एक उभर भरी शाम तारों से जगमुती आकाश की हार में अपनी अनकहीं भावनाएं छलक रही जैसे ही परिंदा ने पर नित्व किया उसकी छवि पर चांदनी आकाश के सामने उभरी जंगल एक, एक कच्ची भावना की महिंद होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला चुंबक भरा लेकिन भावुक शहर की तर्क गहरी को बीच गये। वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने पनपा जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंखु बनाने के लिए उसे निपनाया ई गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज प्यार से भरी थी जिसे चुप कराने की इनकार कर दिया था तुम्हारी दुनिया एक पिंजरीय जंगल उसके ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू भर गए लेकिन ये उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद की परिमाणों का करना करने के लिए मजबूर जंग जल जंगल के आग और उसकी दुनिया के सबसे के चारों ओर दि रही थी कूटनेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार ने घुटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक बिल्कुल चुनाई होगा सत्ता का का प्रेम की शांतना अगले दिन पिलादर्श शोंक से दुबई रही टूट एक लेकिन जो विश्वाइट परिंदा ना अपना जीवन जारी रखा उसके नित्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाहत थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने राक्षसी कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आड़ में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सड़कों के खुखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई भेदता में से भरा हुए अपने अपने हथियार डाल दिए शब्दी का रूपक दोनों मैं तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हमले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने का जिसमें बारे में जनता था जो वो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से तक शहर पर शरण लिये परिंदा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई और जब वो प्यार का एक प्रमाण इसमें उसे बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग करने एक घाट पर काम किया था उनके ताकत उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यमी से था प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था सैम और जैसे सूरज शिक्षित के नीचे डूबता था आकाश के तिरंगी और हर लाल रंग से रंग देता है वे साथ में डाल रंगे समुद्र तक के किनारे चलते थे जो छाये के बीच खेलने वाले प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण था दो भाइयों के किशन और करण के जीवन दुख पर ही अंडरवर्ल्ड में जाल में लुलझ गया है बराब कि भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक कुख्यात अन्ना के अधीन अपराध की खतरनाक दुनिया में कदम रखा है इस बीच करण अपने भाई की काल के रहस्यों की से बेहतर भविष्य की आकाश में भरा हुआ है विदेश में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं उनका आनंद में पुनर्मिलन हिस्सा की एक क्रूर कृत्य भी रख जाता है अन्ना के आदमियों द्वारा करण के सबसे तो उसके हत्या दुख और न्याय की तीव्र इच्छा के पीड़ित होकर करण प्रतिशोध की राह पर चल रहा था इस बात संजान के उसकी खोज उसे सीधे अपने ही भाई के साथ टकराते कि रास्ते पर ले जाएगी जिसके एक संघर्ष पैदा होगी जो उनके बंधन में डांवानाने को तोड़ देंगे उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना नाइनटीन की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म में परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं जैकिशो किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ आदमी है जो क्रूर के अधीन काम करता है, का है अनिल कपूर है, है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों के जीवन की झलक जाली है जो रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों की सम करने के लिए प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली मौजूद है जिसमें निश्चय इंस्पेक्टर प्रकाश नायर की भूमिका में अनुभव खेर की शामिल है जो खुद को अन्ना द्वारा रचे गए अपराध जाल में उलझा हुआ पाते हैं उनके संयुक्त प्रतिभा पात्रों की जटिल रिश्तों को जीवंत बनाती है जिसमें दर्शकों के लिए एक मनोरम और भावनात्मक रूप से उत्साहित अनुभव बनाते हैं जबकि आलोचनात्मक तो प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव अक्सर एक सफल फिल्म की पहचान होती वृंदा अंग्रेज में वर्ड ने भी बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय वास्तविक सफलता हासिल की नाइनटीन नाग्ट में रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत माहौल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल रही यह निवेश एक सेवेंटी फाइव गुना अधिक एक रिटर्न दर्शाते हैं जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है खासकर उस समय भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिस्पर्धी प्रदर्शों को देखते हुए वित्तीय सफलता के सुखधारा के बजाय के फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन दलों से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आंखों वाली एक

रोगेट गिरो के गिरोह के अटूट वफादारी की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीण इकम्द की सर ली यही उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका भव्य स्ट्रीम के सामने एक पायल पक्षी की देखभाल कर रहा था एक असंभवित कोमलता उसके द्वारा दुनिया के सामने पेश किए गए स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन हफ्तों में बदल गए उनकी मुलाकात भव्य और मजहर संदेहों के कारण हुई परिंदा उनके कर्कश व्यवहार के प्रति संवेदनशील होकर उसके दरवाजे पर भयजन की टुकड़े छोड़ दी थी एक मौन थी बदले में जंगल में अपनी प्रशंसा के छोड़ने शुरू कर दिया एक छोटी सी चोरों की बचाई गए मोतियों के माला एक भुले हुए बगीचे से तोड़ गए एक लाल गुलाब एक उभर भरी शाम तारों से जगमती आकाश की हार में अपनी अनकहीं भावनाएं छलक रही जैसे ही परिंदा ने छ पर नित्व किया उसकी छवि पर चांदी आकाश के सामने उभरी जंगल एक, एक कच्ची भावना की महिंग होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला चुंबक झिझक भरा लेकिन भावुक शहर की गहरी को बीच गए वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने पनपा जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंखु बनाने के लिए उसे निपनाया उसे तारा दनाई गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज प्यार से भरी थी जिसे चुप कराने की इनकार कर दिया था तुम्हारी दुनिया एक पिंजरीय जंगल उसके ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू भर गए लेकिन ये उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद की परिमाणों का करना करने के लिए मजबूर जंग जल जंगल के आग और उसकी दुनिया के सर के चारों ओर दि रही थी क्रूर नेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार ना घुटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक बीत चुनाई होगा सत्ता का का प्रेम की शांतना अगले दिन से दुबई रही टूट एक लेकिन जो विश्वास परिंदा ना अपना जीवन जारी रखा उसके नृत्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाह थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने राक्षसी कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आड़ में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सरकों के खुखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई वैधता में से भरा हुए अपने अपने हथियार डाल दिए शब्दी का रूपक दोनों मैं तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हमले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने का जिसमें बारे में जनता था जो वो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से तकीब शहर पे शरण ली विंदा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई जब वो प्यार का एक प्रमाण इसमें उसे बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग करने एक घाट पर काम किया था उनकी ताकत उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यमी से था प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था सैम जैसे सूरज शिक्षित के नीचे डूबता था आकाश के तिरंगी और हर लाल रंग से रंग देता है वे साथ में डाल रंगे समुद्र तट के किनारे चलते थे जो छाया के बीच खेलने वाले प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण था दो भाइयों के किशन और करण की जीवन दुख पर ही अंडरवर्ल्ड में जाल में लुलझ गया है किशाल करने की उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक कुख्यात अन्ना के अधीन अपराध की खतरनाक दुनिया में कदम रखा है इस बीच करण अपने भाई की काल के रहस्यों की से बेहतर भविष्य की आकाश में भरा हुआ है विदेश में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं उनका आनंद में पुनर्मिलन हिस्सा की एक क्रूर कृत्य भी रख जाता है अन्ना के आदमियों द्वारा करण के सबसे अच्छे तो उसकी हत्या दुख और न्याय की तीव्र इच्छा के पीड़ित करण प्रतिशोध की राह पर चल रहा है इस बात संजान की उसकी खोज उसे सीधे अपने ही भाई के साथ टकराते के रास्ते पर ले जाएगी जिसके एक संघर्ष पैदा होगी जो उनके बंधन में मूल दादेवाने को तोड़ देंगे उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना नाइनटीन एटी की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म में परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं जैकिस सब किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ पाया है जो क्रूड गैंगस्टर काम करता है, जिसके नाना पार्टी का निभाई है अनिल कपूरती है, है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों के जीवन की झलक जाली है जो रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों के समर्थन करने के लिए प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली मौजूद है जिसमें इंस्पेक्टर प्रकाश नायर की, की, की दर्शकों के लिए एक मनोरम और भावनात्मक रूप से उत्साहित तो अनुभव बनाते हैं जबकि आलोचनात्मक तो प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव अक्सर एक सफल फिल्म की पहचान होती वृंदा अंग्रेज ने भी बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय वास्तविक हासिल की में रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत माहौल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल रही निवेश एक सेवेंटी फाइव गुणों अधिक एक रिटर्न दर्शाते हैं जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है खासकर उस समय भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिस्पर्धी को देखते हुए इस वित्तीय सफलता के सुखधारा के बजाय के फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आंखों वाली एक

रात उसकी आंखों से स्टील की सम्मान समक एक उधार धुंध से उनकी हुई थी, थी। उन अनुवाद हो गई परिंदा को सड़कों पर ले सांत्वना मिली उनकी नृत्य तो एक ऐसी भाषा में पीती ललिचपन और आशा की बात करती थी दूसरी ओर जंगल में एक परेशान अतीत का बोझ उठाया छाया में सांत्वना की तलाश की और अपने रोगेट गिरो के गिरोह के अटूट वफादारी की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीन शिन्ह की शर ली यही उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका भव्य स्ट्रीम के सामने एक पायल पक्षी की देखभाल कर रहा था एक असंभवित कोमलता उसके द्वारा दुनिया के सामने पेश कठोर बाहरी स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन हफ्तों में बदल गए उनकी मुलाकात भव्य और मजहर संदेहों के कारण हुई परिंदा उनके कर्कश व्यवहार के प्रति संवेदनशील होकर उसके दरवाजे पर भोजन की टुकड़े छोड़ दी थी उनकी उनकी उपस्थिति एक मौन बदले में जंगल में अपनी प्रशंसा के निशन छोड़ने शुरू कर दिया एक छोटी सी चौड़ों की बचाए गए मोतियों के माला एक भूले हुए बगीचे से तोड़ गए एक लाल गुलाब एक उभर भरी शाम तारों से जगमती आकाश की आड़ में अपनी अनकहीं भावनाएं छलक रही जैसे ही परिंदा ने छ पर नृत्य किया उसकी छवि पर चादनी आकाश के सामने उभरी जंगल एक, एक कच्ची भावना की महिंद होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला भरा लेकिन भावुक शहर की गहरी को बीच गए वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंखु बनाने के लिए उसे निपनाया गया उसे गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज प्यार से भरी थी जिसे चुप कराने की इनकार कर दिया था तुम्हारी दुनिया एक है जंगल उसके ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू भर गए लेकिन ये उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद के परिमानों का करना करने के लिए मजबूर जंग जलंग जंगल के आग और उसकी दुनिया के सर के चारों ओर दि रही थी क्रूर नेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार ना घुटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक बिल्कुल चुनाई होगा सत्ता का आकर्षण का प्रेम की शांतना अगले दिन पियादर्श शटों से दुबई रही टूट एक लेकिन जो विश्वास परिंदा ना अपना जीवन जारी रखा उसके नृत्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाह थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने राक्षसी कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आड़ में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सड़कों के खुखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई भेदता में से भरा हुए अपने अपने हथियार डाल दिए शब्दी का रूपक दोनों मैं तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व भुगता से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हामले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर भी नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने का जिसमें बारे में जनता था जो वो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से तकीब शहर पर शरण ली वा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई और जब वो प्यार का एक प्रमाण जिसमें बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग करने एक घाट पर काम किया था उनके ताकत उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यमी से था प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था सैम और जैसे सूरज शिक्षित के नीचे डूबता था आकाश के तिरंगी और हर लाल रंग से रंग देता है बे साथ में डाल रंगे समुद्र तख्त के किनारे चलते थे जो छाया के बीच खेलने वाले प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण था दो भाइयों के किसान और करण के जीवन दुख पर ही अंडरवर्ल्ड में जाल में लुलझ गया है बराफ किसान की उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक, एक अन्ना के अधीन अपराध की खतरनाक दुनिया में कदम रखा है इस बीच करण अपने भाई की काल के रहस्यों की से बेहतर भविष्य की आकाश में भरा हुआ है विदेश में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं उनका आनंद में पुनर्मिलन हिस्सा की एक क्रूर कृत्य भी रख जाता है अन्ना के आदमियों द्वारा करण के सबसे अच्छे तो उसके हत्या दुख और न्याय की तीव्र इच्छा के पीड़ित करण प्रतिशोध की राह पर चल रहा है इस बात संजान की उसकी खोज उसे सीधे अपने ही भाई के साथ टकराते के रास्ते पर ले जाएगी जिसके एक संघर्ष पैदा होगी जो उनके बंधन में मूल वाने को तोड़ देंगे उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना 1999 की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म में परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं जैकिशो किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ आदमी है जो गैंगस्टर अन्नी के अधीन काम करता है, जिसके नाना पार्टी का निभाई है अनिल कपूर है, है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों के जीवन की झलक जाली है जो रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों के समर्थन करने के लिए प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली मौजूद है जिसमें इंस्पेक्टर प्रकाश नायर दर्शकों के लिए एक मनोरम और भावनात्मक रूप से उत्साहित तो अनुभव बनाते हैं जबकि रचनात्मक तो प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव अक्सर एक सफल फिल्म की पहचान होती वृंदा अंग्रेज में बर्ड ने भी बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय वास्तविक हासिल की में रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत माहौल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल रही निवेश एक सेवेंटी फाइव गुना अधिक एक रिटर्न दर्शाते हैं जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है खासकर उस समय भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिस्पर्धी को देखते हुए इस वित्तीय सफलता के 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 सुखधारा बजाय फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन दिनों से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आंखों वाली एक

रोगेट के गिरोह के अटूट वफादारी की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीण इकम्द की शर ली यही उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका भव्य स्ट्रीम के सामने एक पायल पक्षी की देखभाल कर रहा था एक असंभवित कोमलता उसके द्वारा दुनिया के सामने पेश किए गए कठोर बाहरी स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन हफ्तों में बदल गए उनकी मुलाकात भव्य और मजे मजे संदेहों के कारण हुई परिंदा उनके कर्कश व्यवहार के प्रति संवेदनशील होकर उसके दरवाजे पर भोजन की टुकड़े छोड़ दी थी थी एक मौन संतुना में जंगल में अपनी प्रशंसा के छोड़ने शुरू कर दिया। एक छोटी सी चोरों की बचाई गए मोतियों के माला एक भुले हुए बगीचे से तोड़ गए एक लाल गुलाब एक उभर भरी शाम तारों से जगमती आकाश की हार में अपनी अनकहीं भावनाएं छलक रही जैसे ही परिंदा ने छह नित्य किया उसकी छवि पर चांदी आकाश के सामने उभरी जंगल एक कच्ची भावना के महीन होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला चुंबक भरा लेकिन भावुक शहर की गहरी को बीच गए वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने पनपा जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंगु बनाने के लिए उसे निपनाया गया उसे तारा गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज प्यार से भरी थी जिसे चुप कर की इनकार कर दिया था तुम्हारी दुनिया एक पिंजरीय जंगल उसके ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू भर गए लेकिन ये उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद की परिमाणों का करना करने के लिए मजबूर जंग जलंग जंगल के आग और उसकी दुनिया के सबसे के चारों ओर दि रही थी क्रूर नेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार ना घूटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक बीतुल्प चुनाई होगा सत्ता का आकर्षण का प्रेम की शांतना अगले दिन पिला दर्ज सट्टों से दुबक रही टूट एक लेकिन जो स्वाइट परिंदा ना अपना जीवन जारी रखा उसके नित्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाह थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने राक्षसी कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आर में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सरकों के खुखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई वैधता में से भरा हुए अपने अपने हथियार डाल दिए शब्दी का रूपक दोनों मैं तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व भुगता से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हाम ले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने का जिसमें बारे में जनता था जो वो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से तकीब शहर पे शरण ली वा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई जब वो प्यार का एक प्रमाण उसे बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग करने एक घाट पर काम किया था उनकी ताकत उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यमी से सरल था प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था सैम और जैसे सूरज शिक्षित के नीचे डूबता था आकाश के तिरंगी और हर लाल रंग से रंग देता है वे साथ में डाल रंगे समुद्र तख्त के किनारे चलते थे जो छाये के बीच खेलने वाले प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण था दो भाइयों के किसान और करण के जीवन दुख पर ही अंडरवर्ल्ड में जाल में लुलझ गया है बड़ा किसान करने की उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक, एक अन्ना के अधीन अपराध की खतरनाक दुनिया में कदम रखा है इस बीच करण अपने भाई की काल के रहस्यों की से बेहतर भविष्य की आकाश में भरा हुआ है विदेश में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं उनका आनंद में पुनर्मिलन हिस्सा की एक क्रूर कृत्य भी रख जाता है अन्ना के आदमियों द्वारा करण के सबसे अच्छे तो उसके हत्या दुख और न्याय की तीव्र इच्छा के पीड़ित करण प्रतिशोध की राह पल चल रहा है इस बात संजान की उसकी खोज उसे सीधे अपने ही भाई के साथ टकराते के रास्ते पर ले जाएगी जिसके एक संघर्ष पैदा होगी जो उनके बंधन में मूल डांडे को तोड़ देंगे उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना नाइनटीन नाइन की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म में परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं जैकिस किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ पाया है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों की जीवन की झलक जाली है रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों के समर्थन करने के लिए प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली मौजूद है जिसमें इंस्पेक्टर प्रकाश नायर दर्शकों के लिए एक मनोरम और भावनात्मक रूप से उत्साहित अनुभव बनाते हैं जबकि आलोचनात्मक तो प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव अक्सर एक सफल फिल्म की पहचान होती है परिंदा अंग्रेज ने भी बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय वास्तविक हासिल की 1999 नाग्ट में रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत माहौल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल रही यह निवेश एक सेवेंटी फाइव गुना अधिक एक रिटर्न है जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है खासकर उस समय भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिस्पर्धी उद्योगों को देखते हुए इस वित्तीय सफलता के 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 सुखधारा बजाय फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन दिनों से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आंखों वाली एक

रोगेट के गिरोह के अटूट वफादारी की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीण इकम्द की सर ली यही उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका भव्य स्ट्रीम के सामने एक पायल पक्षी की देखभाल कर रहा था एक असंभवित कोमलता उसके द्वारा दुनिया के सामने पेश कठोर बाहरी स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन हफ्तों में बदल गए उनकी मुलाकात भव्य और मजे मजे संदेहों की कारण हुई परिंदा उनके कर्कश व्यवहार के प्रति संवेदनशील होकर उसके दरवाजे पर भयजन की टुकड़े छोड़ दी थी थी एक मौन संतुना में जंगल में अपनी प्रशंसा के छोड़ने शुरू कर दिया एक छोटी सी चोरों की बचाई गए मोतियों के माला एक भुले हुए बगीचे से तोड़ गए एक लाल गुलाब एक उभर भरी शाम तारों से जगमती आकाश की हार में अपनी अनकहीं भावनाएं छलक रही जैसे ही परिंदा ने छे नित्य किया उसकी छवि पर चांदी आकाश के सामने उभरी जंगल एक, एक कच्ची भावना की महिंद होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला चुंबक भरा लेकिन भावुक शहर की गहरी को बीच गए वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने पनपा जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंखु बनाने के लिए उसे निपनाया गया था उसे तारा बनाई गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज प्यार से भरी थी जिसे चुप कराने आने की इनकार कर दिया था तुम्हारी तो दुनिया एक पिंजरी जंगल उसके ने कहा कि उसके आंखों में आंसू भर गए लेकिन ये उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद की परिमानों का करना करने के लिए मजबूर जंग जलंग जंगल के आग और उसकी दुनिया के सबसे चारों ओर दिल रही थी क्रूर नेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार ना घुटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक बिल्कुल चुनाई होगा सत्ता का का प्रेम की शांतना अगले दिन पिलाों से दुब रही टूट एक लेकिन जो विश्वास परिंदा अपना जीवन जारी रखा उसके नृत्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाहती थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने राक्षसी कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आड़ में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सरकों के खुखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई भेदता में से भरा हुए अपने अपने हथियार डाल दिए शाब्दी का रूपक दोनों मैं तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हामले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने के जिसमें बारे में जनता था जब वो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से तकीब शहर पर शरण लिये परिंदा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई और जब वो प्यार का एक प्रमाण जिसमें उसे बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग करने एक घाट पर काम किया था उनकी ताकत उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यमी से था प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था सैम और जैसे सूरज शिक्षित के नीचे डूबता था आकाश के तिरंगी और हर लाल रंग से रंग देता है बे साथ में डाल रंगे समुद्र तख्त के किनारे चलते थे जो छाये के बीच खेलने वाले प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण था दो भाइयों के किसान और करण के जीवन दुख पर ही अंडरवर्ल्ड में जाल में लुलझ गया है बड़ा किसान की उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक, एक गैंगस्टर क्रूर अन्ना के अधीन अपराध की खतरनाक दुनिया में कदम रखा है इस बीच करण अपने भाई की काल के रहस्यों की से बेहतर भविष्य की आकाश में भरा हुआ है विदेश में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं उनका आनंद में पुनर्मिलन हिस्सा की एक क्रूर कृत्य भी रख जाता है अन्ना के आदमियों द्वारा करण के सबसे अच्छे न्याय की तीव्र इच्छा के पीड़ित करण प्रतिशोध की राह पल चल रहा है इस बात संजान की उसकी खोज उसे सीधे अपने ही भाई के साथ टकराते के रास्ते पर ले जाएगी जिसके एक संघर्ष पैदा होगी जो उनके बंधन में मूल डांडे को तोड़ देंगे उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना 1999 की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म में परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं जैकिशो किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ आदमी है जो क्रूर गैंगस्टर के अधीन काम करता है, जिसके नाना पार्टी का निभाई है अनिल है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों के जीवन की झलक जाली है रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों के समर्थ करने के लिए प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली मौजूद है।, तो है जिसमें इंस्पेक्टर प्रकाश नायर की दर्शकों के लिए एक मनोरम और भावनात्मक रूप से उत्साहित अनुभव बनाते हैं जबकि आलोचनात्मक तो प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव अक्सर एक सफल फिल्म की पहचान होती अंग्रेज बोर्ड ने भी बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय वास्तविक सफलता हासिल की नाइनटीन में रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत माहौल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल निवेश एक सेवेंटी फाइव अधिक एक रिटर्न जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है खासकर सुखधारा के, के, के बजाय के फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन दिनों से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आंखों वाली एक

रोगेट के गिरोह के अटूट वफादारी की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीण इकमाद की सर ली यही उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका भव्य स्ट्रीम के सामने एक पायल पक्षी की देखभाल कर रहा था एक असंभवित कोमलता उसके द्वारा दुनिया के सामने पेश किए गए स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन हफ्तों में बदल गए उनकी मुलाकात भव्य और मजहर संदेहों की कारण हुई परिंदा उनके कर्कश व्यवहार के प्रति संवेदनशील होकर उसके दरवाजे पर भयजन की टुकड़े छोड़ दी थी उनकी उपस्थिति एक मौन संतना बदले में जंगल में अपनी प्रशंसा के निशन छोड़ने शुरू कर दिया एक छोटी सी चोरों की बचाए गए मोतियों के माला एक भूले हुए बगीचे से तोड़ गए एक लाल गुलाब एक उभर भरी शाम तारों से जगमती आकाश की आड़ में अपनी अनकहीं भावनाएं छलक रही जैसे ही परिंदा ने छह पर नित्व किया उसकी छवि पर चांदनी आकाश के सामने उभरी जंगल एक, एक कच्ची भावना की महीन होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला चुंबक झिझक भरा लेकिन भावुक शहर की गहरी को बीच गए वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने पनपा जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंखु बनाने के लिए उसे निपनाया गया उसे उतारा बनाई गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज प्यार से भरी थी जिसे चुप कर आने की इनकार कर दिया था तुम्हारी तो दुनिया एक पिंजरे जंगल उसके ने कहा कि उसके आंखों में आंसू भर गए लेकिन ये उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद की परिमाणों का करना करने के लिए मजबूर जंग, जंग जंगल के आग और उसकी दुनिया के सर के चारों ओर दिल रही थी क्रूर नेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार ना घुटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक बिल्कुल चुनाई होगा सत्ता का का प्रेम की शांतना अगले दिन पिलाों से दुब रही टूट एक लेकिन जो विश्वास परिंदा ना अपना जीवन जारी रखा उसके नृत्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाह थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने राक्षसी कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आड़ में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सरकों के खुंखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई वैधता में से भरा हुए अपने अपने हथियार डाल दिए शाब्दी का रूपक दोनों मैं तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हमले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर भी नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने के जिसमें बारे में उजनता था जो वो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति, प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से तक शहर पर शरण लिये वृंदा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई जब वो प्यार का एक प्रमाण जिसमें उसे बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग ने एक घाट पर काम किया था उनकी ताकत उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यमी सरलता प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था और जैसे सूरज शिक्षित के नीचे के किनारे चलते थे जो के खेलने वाले प्रेम की स्थाई का था। दो भाइयों के किसान और करण के जीवन दुख पर यह अंडरवर्ल्ड में जाल में उलझ गया है बराफ करने की उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक कुख्यात गैंगस्टर के अधीन अपराध की खतरनाक दुनिया में कदम रखा है इस बीच करण अपने भाई की काल के रहस्यों की से बेहतर भविष्य की आकाश में भरा हुआ है विदेश में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं उनका आनंद में पुनर्मिल्व भी द्वारा करण के सबसे अच्छे दोस्त की हत्या दुख और न्याय की तीव्र इच्छा के पीड़ित होकर करण प्रतिशोध की राह पर चल रहा है इस बात संजान के उसकी खोज उसे सीधे अपने ही भाई के साथ टकराते रास्ते पर ले जाएगी जिसके एक संघर्ष पैदा हो जो उनके बंधन में मूल को तोड़ देंगे उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना 1989 की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म में परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं सब किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ पाया और आदमी है जो क्रूर गैंगस्टर के अधीन काम करता है जिसके भूमिका प्रतिभाशाली नाना पार्टी का निभाई है अनिल कपूर किशन के छोटे भाई करण की भूमिका जो विदेश में पढ़ने की बाद वो घर लौट आती है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों के जीवन की झलक जाली है जो रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों के समर्थ

सफलता हासिल की में रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत माहौल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल रही निवेश एक सेवेंटी फाइव गुणों अधिक एक रिटर्न दर्शाते हैं जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है खासकर उस समय भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिस्पर्धी को देखते हुए इस वित्तीय सफलता के के सुखधारा बजाय के फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन दिनों से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आंखों वाली एक

उसकी आंखों से स्टील की सम्मान समक एक उधार धुंध से गलियों में पैदा कम उम्र में अनुवाद हो गई परिंदा को सड़कों पर ले सांत्वना मिली उनकी नृत्य तो एक ऐसी भाषा में पीती ललिचपन और आशा की बात करती थी दूसरी ओर जंगल में एक परेशान अतीत का बोझ उठाया छाया में सांत्वना की तलाश की और अपने रोगेट गिरो के गिरोह के अटूट वफादारी की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीण इकम्द की शर ली यही उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका भव्य स्ट्रीम के सामने एक पायल पक्षी की देखभाल कर रहा था एक असंभवित कोमलता उसके द्वारा दुनिया के सामने पेश किए गए स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन हफ्तों में बदल गए उनकी मुलाकात भव्य और मजहर संदेहों के कारण हुई परिंदा उनके कर्कश व्यवहार के प्रति संवेदनशील होकर उसके दरवाजे पर भयजन की टुकड़े छोड़ दी थी उपस्थिति एक मौन थी बदले में जंगल में अपनी प्रशंसा के छोड़ने शुरू कर दिया एक छोटी सी चोरों की बचाई गए मोतियों के माला एक भुले हुए बगीचे से तोड़ गए एक लाल गुलाब एक उभर भरी शाम तारों से जगमुती आकाश की हार में अपनी अनकहीं भावनाएं छलक रही जैसे ही परिंदा ने छे पर नृत्यु किया उसकी छवि पर चाँदनी आकाश के सामने उभरी जंगल एक, एक कच्ची भावना की महिंद होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला चुंबक भरा लेकिन भावुक शहर की तर्क गहरी को बीच गए वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने पनपा जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंखु बनाने के लिए उसे निपनाया गया उसे उतारा बनाई गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज प्यार से भरी थी जिसे चुप कराने आने की इनकार कर दिया था तुम्हारी तो दुनिया एक पिंजरे जंगल उसके ने कहा कि उसके आंखों में आंसू भर गए लेकिन ये उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद के परिमाणों का करना करने के लिए मजबूर जंग जलंग जंगल के आग और उसकी दुनिया के सर के चारों ओर दिल रही थी कूट नेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार ना घुटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक बिल्कुल चुनाई होगा सत्ता का प्रेम की शांतना अगले दिन पिलादर शट्टों से दुबई रही टूट एक लेकिन जो विश्वास परिंदा ना अपना जीवन जारी रखा उसका नृत्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाह थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने राक्षसी कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आड़ में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सड़कों के खुंखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई भेदता में से भरा हुए अपने अपने हथियार डाल दिए शब्दी का रूपक दोनों मैं तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हमले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने के जिसमें बारे में जनता था जो वो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति, प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से तकीब शहर पे शरण लिये परिंदा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई और जब वो प्यार का एक प्रमाण जिसमें उसे बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग करने एक घाट पर काम किया था उनके ताकत उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यमी से सरलता प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था सैम और जैसे सूरज शिक्षित के नीचे डूबता था आकाश के तिरंगी और हर लाल रंग से रंग देता है वे साथ में डाल रंगे समुद्र तक के किनारे चलते थे जो छाये के बीच खेलने वाले प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण था दो भाइयों के किशन और करण के जीवन दुख पर ही अंडरवर्ल्ड में जाल में लुलझ गया है बराब कि भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक कुख्यात अन्ना के अधीन अपराध की खतरनाक दुनिया में कदम रखा है इस बीच करण अपने भाई की काल के रहस्यों की से बेहतर भविष्य की आकाश में भरा हुआ है विदेश में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं उनका आनंद में पुनर्मिलन हिस्सा की एक क्रूर कृत्य भी रख जाता है अन्ना के आदमियों द्वारा करण के सबसे तो उसके हत्या दुख और न्याय की तीव्र इच्छा के पीड़ित होकर करण प्रतिशोध की राह पर चल रहा था इस बात संजान की उसकी खोज उसे सीधे अपने ही भाई के साथ टकराने के रास्ते पर ले जाएगी जिसके एक संघर्ष पैदा होगी जो उनके बंधन में मूल डांडे वाने को तोड़ देंगे उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना नाइनटीन नाइन की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म में परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं जैकिशो किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ आदमी है जो क्रूर गैंगस्टर के अधीन काम करता है जिसके भूमिका प्रतिभाशाली नाना पाटिका निभाई है अनिल कपूर किशन के छोटे भाई करण की भूमिका जो विदेश में पढ़ने की बाद वो घर लौट आती है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों के जीवन की झलक जाली है जो रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों के समर्थन

सफलता हासिल की नाइन में रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत माहौल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल रही यह निवेश एक सेवेंटी फाइव गुना अधिक एक रिटर्न दर्शाते हैं जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है खासकर उस समय भारतीय फिल्म उद्योग के के प्रतिस्पर्धी को देखते हुए इस वित्तीय सफलता सुखधारा के, के बजाय के फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन दलों से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आंखों वाली एक की डाय क्लब के शोर के बीच घूम रही थी हरकते के ने दर्शकों को कर दिया। लेकिन उसकी हरकतें हरकते के हुई थी जंगल जिसका नाम शहर के रूप में और के साथ पुस था। एक पहली था शहर के सड़क निर्वासियों के बीच एक एक, एक बदल थी उन्होंने भुलबुल वाली गालियों के साहस की उनकी फादाई उनके स्वागत के सम्मान के उग्र थी हालांकि राजा

बोझ उठाया छाया में सांत्वना की तलाश की और अपने रोगेट की गिरो के गिरोह के टूट वफादारी की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीण इकम्द की सर ली यही उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका भव्य स्ट्रीम के सामने एक पायल पक्षी की देखभाल कर रहा था एक असंभवित कोमलता उसके द्वारा दुनिया के सामने पेश कठोर बाहरी स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन हफ्तों में बदल गए उनकी मुलाकात भव्य और मजहर संदेहों के कारण हुई परिंदा उनके कर्कश व्यवहार के प्रति संवेदनशील होकर उसके दरवाजे पर भयजन की टुकड़े छोड़ दी थी की उपस्थिति एक मौन बदले में जंगल में अपनी प्रशंसा के निशन छोड़ने शुरू कर दिया एक छोटी सी चोरों की बचाए गए मोतियों के माला एक भूले हुए बगीचे से तोड़ गए एक लाल गुलाब एक उभर भरी शाम तारों से जगमती आकाश की आड़ में अपनी अनकहीं भावनाएं छलक रही जैसे ही परिंदा ने छ पर नृत्यु किया उसकी छवि पर चाँदिया आकाश के सामने उभरी जंगल एक, एक कच्ची भावना के महीन होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला चुंबक झिझक भरा लेकिन भावुक शहर की गहरी को बीच गए वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने पनपा जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंखु बनाने के लिए उसे निपनाया गया उसे उतारा बनाई गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज प्यार से भरी थी जिसे चुप कर आने की इनकार कर दिया था तुम्हारी दुनिया एक पिंजरे जंगल उसके ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू भर गए लेकिन ये उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद के परिमानों का करना करने के लिए मजबूर जंग जलंग जंगल के आग और उसकी दुनिया के सर के चारों ओर दिल रही थी क्रूट नेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार नागुटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक विकल्प चुनाई होगा सत्ता का प्रेम की शांतना अगले दिन पिला दर्श से दुबई रही टूट एक लेकिन जो विश्वाइट परिंदा ना अपना जीवन जारी रखा उसके नृत्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाह थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने राक्षसी कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आड़ में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सरकों के खुंखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई वैधता में से भरा हुआ अपने अपने हथियार डाल दिए शब्दी का रूपक दोनों मैं तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हमले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने का जिसमें बारे में जनता था जो वो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति, प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने, उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से तक शहर पर शरण लिया परिंदा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई और जब वो प्यार का एक प्रमाण जिसमें उसे बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग ने एक घाट पर काम किया था उनकी ताकत उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यामी सरलता प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था और जैसे सूरज शिक्षित के नीचे डूबता था आकाश के तिरंगी और दो भाइयों के किशन और करण की जीवन दुख पर यह अंडरवर्ल्ड में जाल में लुलझ गया है बड़ा किशाल करने की उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक कुख्यात गैंगस्टर कूड़ अन्य के अधीन अपराध की खतरनाक दुनिया में कदम रखा है इस बीच करण अपने भाई की काल के रहस्यों की से बेहतर भविष्य की आकाश में भरा हुआ है विदेश में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं उनका आनंद में की एक भी रख जाता है। अन्ना के, के सबसे अच्छे दोस्त की हत्या दुख और न्याय की तीव्र इच्छा के पीड़ित होकर करण प्रतिशोध की राह पर चल रहा है इस बात संजान की उसकी खोज उसे सीधे अपने ही भाई के साथ टकराते रास्ते पर ले जाएगी जिसके एक संघर्ष पैदा हो जो उनके बंधन में दाने वाणी को तोड़ देंगे उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना नाइनटीन की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं जैकिशो किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ पाया और आदमी है जो क्रूर गैंगस्टर के अधीन काम करता है जिसके भूमिका प्रतिभाशाली नाना पाटिका निभाई है अनिल कपूर किशन के छोटे भाई करण की भूमिका निभाई है जो विदेश में पढ़ने बाद वो घर लौट आती है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों के जीवन की झलक जाली है जो रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों के समर्थन करने के लिए प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली मौजूद है, है।, है जिसमें इंस्पेक्टर प्रकाश नायर की दर्शकों के लिए एक मनोरम और भावनात्मक रूप से उत्साहित अनुभव बनाते हैं जबकि आलोचनात्मक तो प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव अक्सर एक सफल फिल्म की पहचान होती है वृंदा अंग्रेज ने भी बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय वास्तविक हासिल की नाग्टी 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 नाग्ट में रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत माहौल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल रही है एक सेवेंटी फाइव गुना अधिक एक रिटर्न दर्शाते हैं जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है खासकर उस समय भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिस्पर्धी प्रदर्शों को देखते हुए इस वित्तीय सफलता के सुखधारा के बजाय के फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन दिनों से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आंखों वाली एक सिंधा नायं क्लब के शोर के बीच घूम रही थी उसकी हरकतें अनुग्रह के ने दर्शकों को कर दिया। लेकिन उसकी नजर के जंगल मिशन साथ फुसफुसाहट भस था एक पहली था शहर के सड़क निवासियों के बीच एक एक, एक बदल थी उन्होंने भुलबुल गालियों के पर लेके मुट्टी के, के साहस की उनकी फादाई उनके स्वागत के सम्मान के उग्र थी हालांकि राज

रोगेट गिरो के गिरोह के अटूट वफादारी की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीर्ण इकमाद की सर ली यही उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका भव्य ट्रीम मिलमिलाते स्ट्रीम लय के सामने एक पहल पक्षी की देखभाल कर रहा था एक असंभवित कोमलता उसके द्वारा दुनिया के सामने पेश किए गए कठोर बाहरी स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन तो बदल गए उनके मुलाकात भव्य और मुझे संधियों की कारण हुई परिंदा उनके कर्कश व्यवहार के प्रति संवेदनशील एक छोटी में में चोर सी चोरों की बचाए गए मोतियों के माला एक भूले हुए बगीचे से तोड़ गए एक लाल गुलाब एक उभर भरी शाम तारों से जगमती आकाश की आड़ में अपनी अनक भावनाएं छलक रही जैसे ही परिंदा ने छे पर नित्व किया उसकी छवि पर चांदी आकाश के सामने उभरी जंगल एक, एक कच्ची भावना की महिन होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला चुंबक भरा लेकिन भावुक शहर की तर्क गहरी को बीच गए वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने पनपा जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंकु बनाने के लिए उसे निपनाया गया उसे उतारा दुआनाई गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज़ प्यार से बड़ी थी जिसे चुप कराने कर आने की इनकार कर दिया था तुम्हारी दुनिया एक पिंजरी है जंगल उसके ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू भर गए लेकिन ये उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद की परिमानों का करना करने के लिए मजबूर जंग जंगल के आग और उसकी दुनिया के सर के चारों ओर दिल रही थी क्रूर नेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार ना घुटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक विकल्प चुनाई होगा सत्ता का प्रेम की शांतना अगले दिन पियादर शट्टों से दुबई रही टूट एक लेकिन जो विश्वाइट परिंदा ना अपना जीवन जारी रखा उसके नृत्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाहत थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने राक्षसी कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आड़ में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सरकों के खुखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई वैधता में से भरा हुए अपने अपने हथियार डाल दिए शब्दी का रूपक दोनों मैं तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व भुगता से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हामले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर भी नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने का जिसमें बारे में जनता था जो वो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति, प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से टीब शहर पर शरण ली वा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई जब वो प्यार का एक प्रमाण जिसमें उसे बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग करने एक घाट पर काम किया था उनकी ताकत उनके, उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यमी से था प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था सैम जैसे सूरज शिक्षित के नीचे डूबता था आकाश के तिरंगी और हर लाल रंग से रंग देता है वे साथ में डाल रंगे समुद्र तख्त के किनारे चलते थे जो छाया के बीच खेलने वाले प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण था दो भाइयों के किसान और करण की जीवन दुख पर ही अंडरवर्ल्ड में जाल में लुलझ गया है बड़ा करने की उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक कुख्यात अन्ना के अधीन अपराध की खतरनाक दुनिया में कदम रखा है इस बीच करण अपने भाई की काल के रहस्यों की से बेहतर भविष्य की आकाश में भरा हुआ है विदेश में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं उनका आनंद में पुनर्मिलन हिस्सा की एक क्रूर कृत्य भी रख जाता है अन्ना के आदमियों द्वारा करण के सबसे तो उसकी हत्या दुख और न्याय कर, की तीव्र इच्छा के पीड़ित होकर करण प्रतिशोध की राह पर चल रहा है इस बात संजान के उसकी खोज उसे सीधे अपने ही भाई के साथ टकराने के रास्ते पर ले जाएगी जिसके एक संघर्ष पैदा होगी जो उनके बंधन में मूल दाँडे वाले को तोड़ देंगे उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना 1999 की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म में परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं जयकिशो किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ आदमी है जो गैंगस्टर अन्नी के अधीन काम करता है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों के जीवन की झलक जाली है जो रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों के समर्थन करने के लिए प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली मौजूद है जिसमें इंस्पेक्टर प्रकाश नायर दर्शकों के लिए एक मनोरम और भावनात्मक रूप से उत्साहित अनुभव बनाते हैं जबकि आलोचनात्मक तो प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव अक्सर एक सफल फिल्म की पहचान होती वृंदा अंग्रेज में बोर्ड ने भी बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय वास्तविक हासिल की में रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत माहौल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल रही यह निवेश एक सेवेंटी फाइव गुणों अधिक एक रिटर्न दर्शाते हैं जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है खासकर उस समय भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिस्पर्धी को देखते हुए इस वित्तीय सफलता के सुखधारा के बजाय के फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन दिनों से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आंखों वाली एक

रॉगेट के गिरोह के अटूट वफादारी की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीण इकम्द की सर ली यही उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका भव्य स्ट्रीम के सामने एक पायल पक्षी की देखभाल कर रहा था एक असंभवित कोमलता उसके द्वारा दुनिया के सामने पेश किए गए स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन हफ्तों में बदल गए उनकी मुलाकात भव्य और मजह संदेहों की कारण हुई परिंदा उनके कर्कश व्यवहार के प्रति संवेदनशील होकर उसके दरवाजे पर भोजन की टुकड़े छोड़ दी थी उनकी उपस्थिति एक मौन संतना बदले में जंगल में अपनी प्रशंसा के निशन छोड़ने शुरू कर दिया एक छोटी सी चोरों की बचाए गए मोतियों के माला एक भूले हुए बगीचे से तोड़ गए एक लाल गुलाब एक उभर भरी शाम तारों से जगमती आकाश की आर में अपनी अनकहीं भावनाएं छलक रही जैसे ही परिंदा ने छय नित्य किया उसकी छवि पर चांदी आकाश के सामने उभरी जंगल एक, एक कच्ची भावना के महीन होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला चुंबक भरा लेकिन भावुक शहर की गहरी को बीच गए वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने पनपा जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंखु बनाने के लिए उसे निपनाया गया उसे उतारा दबनाई गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज़ प्यार से भरी थी जिसे चुप कर आने की इनकार कर दिया था तुम्हारी दुनिया एक पिंजरी है जंगल उसके ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू भर गए लेकिन ये उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद के परिमाणों का करना करने के लिए मजबूर जंग जंगल के आग और उसकी दुनिया के सर के चारों ओर दि रही थी क्रूर नेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार ना घुटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक विकल्प चुनाई होगा सत्ता का का प्रेम की शांतना अगले दिन पिला दर्द से दुबई रही टूट एक लेकिन जो विश्वाइट परिंदा ना अपना जीवन जारी रखा उसके नित्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाह थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने राक्षसी कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आड़ में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सरकों के खुखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई वैधता में से भरा हुए अपने अपने हथियार डाल दिए शब्दी का रूपक दोनों मैं तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हामले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर भी नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने के जिसमें बारे में जनता था जो वो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति, प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से टीब शहर पे शरण ली वरिंदा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई जब वो प्यार का एक प्रमाण इसमें उसे बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग करने एक घाट पर काम किया था उनकी ताकत उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यामी सरलता प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था शैम जैसे सूरज शिक्षित के नीचे डूबता था आकाश के तिरंगी और हर लाल रंग से रंग देता है बे। साथ में डाल रंगे तट के किनारे चलते थे जो छाया के बीचे खेलने वाले प्रेम की शक्ति का प्रमाण था दो भाइयों के किशन और करण की जीवन दुख पर यह अंडरवर्ल्ड में जाल में लुलझ गया है बड़ा किशाल करने की उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने आकर्षक को त्याग करते हैं एक और एक कुख्यात गैंगस्टर कुल के अधीन अपराध की खतरनाक दुनिया में कदम रखा है इस बीच करण अपने भाई की काल के रहस्यों की से बेहतर भविष्य की आकाश में भरा हुआ है विदेश में अपनी पढ़ाई से लौटते हैं उनका आनंद में हिस्सा की एक क्रूर भी रख जाता है पुनर्मिल के द्वारा करण के सबसे अच्छे दोस्त की हत्या दुख और न्याय की तीव्र इच्छा के पीड़ित होकर करण प्रतिशोध की राह पर चल रहा है इस बात संजान के उसकी खोज उसे सीधे अपने ही भाई के साथ टकराते रास्ते पर ले जाएगी जिसके एक संघर्ष पैदा हो जो उनके बंधन में मूल दाने वाले को तोड़ देंगे उन्हें मजबूर कर देगा वफादारी और न्याय के बीच चयन करना नाइनटीन नाइन की हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म परिंदा अंग्रेजी में बोर्ड के दमदार कलाकारों के प्रत्येक सदस्य एक ऐसा प्रदर्शन करता है जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित करते हैं जैकिस किशन का किरदार निभाते हैं जो अंडरवर्ल्ड कुंजल से फंसा हुआ आदमी है जो गैंगस्टर अन्नी के अधीन काम करता है जिसके नाना पार्टी का निभाई है अनिल है इस बात से अनजान की उसके भाई की जिंदगी के कितना अंधेरे है फिल्म में पैरो नामक एक युवा महिला की भाइयों के जीवन की झलक जाली है रूप में माधुरी दीक्षित अपना आकर्षक और सुंदरता से जोड़ती है इन मुख्य कलाकारों के समर्थन करने के लिए प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली मौजूद है जिसमें इंस्पेक्टर प्रकाश नायर की में अनुभव तो दर्शकों के लिए एक मनोरम और भावनात्मक रूप से उत्साहित अनुभव बनाते हैं जबकि आलोचनात्मक तो प्रशंसा और सांस्कृतिक प्रभाव अक्सर एक सफल फिल्म की पहचान होती है बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय वास्तविक हासिल की में रिलीज हुई यह फिल्म बारह लाख के उपेक्षाकृत माहौल बजट के बावजूद नौ करोड़ के महत्वपूर्ण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल करने में सफल रही यह निवेश एक सेवेंटी फाइव गुना अधिक एक रिटर्न दर्शाते हैं जो किसी भी फिल्म के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है खासकर उस समय भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिस्पर्धी को देखते हुए इस वित्तीय सफलता के सुखधारा के बजाय के फिल्म की स्थिति को मजबूत किया और इसके शामिल कलाकारों के चालक दल के तैयारियों को आगे बढ़ाना मुंबई की नियत रोशनी रंग के बेहतरीन दलों से धुंधली हुई और अरब सागर की जैसे गहरी आंखों वाली एक डाय नायं क्लब के शोर के, के बीच घूम रही थी उसकी हरकतें अनुग्रह अवज्ञा अनुग के मिश्रण ने दर्शकों को मंत्रुत कर दिया लेकिन उसकी नजर हमले के, के पीछे छाया के पीछे की अकेली आकृति पर टिकी हुई थी जंगल जिसका नाम शहरे निचले के रूप में भय और श्रद्धा के मिशन सात भुश था एक पहली था शहर के सड़क निवासियों के बीच एक एक, एक भुल गालियों के पर लेके के, के साहस की उनकी उनके स्वागत के सम्मान के से उग्र थी हालांकि रात उसकी आंखों से स्टील के सम्मान समक एक उदार धुंध से उनकी हुई थी जो परिंदा के दिल में अनकहीं लालसा के प्रतिबिंब कर रही थी अनका नाइट क्लब में और की नहीं बल्कि उन गांव की गलियों में पैदा हुआ जब उनके संघर्षों का जन्म हुआ कम उम्र में अनुवाद हो गई परिंदा को सड़कों पर ले सांत्वना मिली उनके नृत्य तो एक ऐसी भाषा में भी थी और आशा की बात करती थी दूसरी ओर जंगल में एक परेशान अतीत का बोझ उठाया छाया में सांत्वना की तलाश की और अपने रोगेट गिरो के गिरोह की अटूट वफादारी की तलाश की उनके रास्ते पर पहली बार एक बरासती रात की मिले जब भारी बारिश में फंसे परिंदा ने एक जीर्ण शिण की सर ली यही उनकी मुलाकात जंगल में हुई उसका भव्य स्ट्रीम के सामने एक पायल पक्षी की देखभाल कर रहा था एक असंभवित कोमलता उसके द्वारा दुनिया के सामने पेश कठोर बाहरी स्वरूप के बिल्कुल विपरीत उनकी आंखों में चमक रही थी दिन हफ्तों में बदल गए उनकी मुलाकात भव्य और मजहर संदेहों की कारण हुई परिंदा उनके कर्कस व्यवहार के प्रति संवेदनशील होकर उसके दरवाजे पर भोजन की टुकड़े छोड़ दी थी थी एक मौन संतुना में जंगल में अपनी प्रशंसा के छोड़ने शुरू कर दिया एक छोटी सी चोरों की बचाई गए मोतियों के माला एक भुले हुए बगीचे से तोड़ गए एक लाल गुलाब एक उभर भरी शाम तारों से जगमती आकाश की हार में अपनी अनकहीं भावनाएं छलक रही जैसे ही परिंदा ने छह नित्य किया उसकी छवि पर चांदी आकाश के सामने उभरी जंगल एक, एक कच्ची भावना की महंग होकर खुद को उसके प्रति आकर्षित पाया उनका पहला चुंबक भरा लेकिन भावुक शहर की गहरी को बीच गए वादा था हालांकि उनका नया प्यार उसके कठिन मिट्टी ने पनपा जंगल की दुनिया हिंसा और धोखे की परिंदा की मासूमियत के लिए लगातार खतरा बन रही थी जब जंगल के प्रभाव के ईर्षा करने वाले प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता परिंदा को पंगु बनाने के लिए उसे निपनाया गया उसे उतारा बनाई गई नाजुक शक्ति की बिखर गई थी परिंदा दिल गया लेकिन टूटा नहीं उनके उनके महत्ता संघर्ष में मोहरा बनने की इनकार कर दिया उसने जंगल में सामना किया उसकी आवाज प्यार से भरी थी जिसे चुप कराने की इनकार कर दिया था तुम्हारी तो दुनिया एक पिंजरे जंगल उसके ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू भर गए लेकिन ये उसकी सलाखों के भीतर नहीं रख सकती मुझे चुनो प्यार चुनो या मुझे हमेशा के लिए खो दो अपनी पसंद के परिमाणों का करना करने के लिए मजबूर जंग जल जंगल के आग और उसकी दुनिया के सर के चारों ओर दिल रही थी क्रूर नेता और अपने लोगों के रक्षक को एक महिला के प्यार ना घुटने पर लिया था वो जनता था कि उसके एक विकल्प चुनाई होगा सत्ता का प्रेम की शांतना अगले दिन पिलाों से दुबर रही टूट एक लेकिन जो विश्वाइट परिंदा ना अपना जीवन जारी रखा उसके नित्य से गहरा दर्द एक ऐसे प्यार की चाह थी जो हमेशा के लिए पहुंचे से बाहर लग रहा था जंगल उसके शब्दों के गूंज से भयभीत होकर अपने कुर्ती लड़ती थी अंतत एक चंदनी रात के आड़ में मंगल की फिर से प्रकट हुआ सड़कों के खुखार नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्त चाहने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो परिंदा के सामने खड़ा था और उनकी आंखें एक नई वैधता में से भरा हुए अपने अपने हथियार डाल दिए नशाब्दी का रूपक दोनों में तुम्हें चुनता हूँ परिंदा अपने स्वीकार किया अपने आवाज व से भराई हुई है मैं प्यार को चुनता हूँ मेरा साथ हाम ले और साथ मिलकर हम इस अंधेरे से दूर चले गए हैं उनका सफर नहीं था और दुनिया में पीछे छोड़ने के जिसमें बारे में जनता था जो उसने खतरे से भरा दिया लेकिन जंगल परिंदा के प्रति प्यार और बेहतर जीवन की चाहत से प्रेरित होकर डटा था साथ में उन्होंने मुंबई की छाया से दूर एक छोटे से तकीब शहर पे शरण ली वा ने एक नित्य विद्यालय खोला उसकी हरकतें अब एक नई खुशी से भर गई जब वो प्यार का एक प्रमाण इसमें उसे बताया गया था जंगल के अपने कौशल और संकेत के उपयोग करने एक घाट पर काम किया था उनकी ताकत उनके लिए भविष्य बनाने की काम पर आई है उनके जीवन उद्यमी से था प्रेम से भरा था जो उनके द्वारा झोली गई कठिनाइयों से कहीं अधिक था सैम और जैसे सूरज शिक्षित के नीचे डूबता था आकाश के तिरंगी और हर लाल रंग से रंग देता है बे साथ में डाल रंगे समुद्र तख्त के किनारे चलते थे जो छाये के बीच खेलने वाले प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण था